मित्रों ये पालक की कचौड़ी है। ये इसमें पहले आटा लेते हैं, उसमें फिर थोड़ा सा ये पालक को पीस करके मिक्सी में और फिर इसमें मिला देते हैं। जैसे जितना आटा है उतना उसी अनुसार से कचौड़ी मिलाते हैं। आधा किलो पालक मान लीजिए आधा किलो पालक का बनाकर सिंपल मतलब 4-6 लोग खाने के लिए आधा किलो पालक में उसको पीस कर मिक्सी में उसमें पीस करके उसको मिला देते हैं। फिर ऐसे आटा बना लेंगे और फिर ऐसे इसको ऐसे इसमें मिक्सचर भी करते हैं पालक कचौड़ी में। क्या जीरा, जमाइन, मोमन, काला नमक, लहसुन, मिर्चा, तो इसमें अपने जिस जैसे हम जिस तरह खाते हैं उस तरह उसको मिला लेते हैं। और इसमें फिर इसको अपना गूंथ लेते हैं आटा को और फिर ऐसे इस तरह से बेल करके और फिर सिंपल जैसे हम रोटी रोटी बनाते हैं उसी से इसको बना करके इसको खाते हैं। तो मित्रों आप इसको खाइए तो ये बहुत ही स्वादिष्ट है, आप एक बार खाएंगे। इसको कचौड़ी कहते हैं, कचौड़ी नाम से इसको कहा जाता है, पालक की कचौड़ी इसको कहते हैं। इसको मित्रों आप बनाएंगे खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हमारे छोटे छोटे पीस इसको छोटे ऐसे से पीस बना लेते हैं, ये देखिए, फिर इसको बेल लेंगे ऐसे छोटे छोटे पीस, देखिए ठीक है, और इससे इसको बना लेंगे खा लेंगे तो आप बहुत स्वादिष्ट। बेलते समय दिखाओ फिर बेले हुए। ये देखिए इस तरह बेला जाता है, देखिए इस तरह बेला जाता है, ये देखिए ऐसे बेला जाता है, ऐसे बेला, ये देखिए अब इसको ऐसे ऐसे देखिए इस तरह रख देंगे, ढेर सारी कचौड़ी जितनी आप खाना चाहेंगे। और इतने आटे में बहुत सारी कचौड़ी बन जाएंगी, कम से कम नहीं तो आप 30-40 कचौड़ी बना सकते हैं, और ज़्यादा आटा करेंगे ज़्यादा कचौड़ी बन जाएगी। इस तरह से इसको बनाते हैं। मित्रों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक बटन दबा दीजिएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इस तरह से खाने के और आपको बताते रहें और आइटम इस तरह से बनाते हैं। धन्यवाद।